मोहम्मद वलायत वल्द अनायत लियाकत लीग आप है भाई, मेरा बेटा कत्ल हो गया है 18 साल का, 3-4 दिन रह गए थे पाए जाने को, शाम को रात को पीट के गांव वाले लोगों ने कत्ल कर दिया है बेटा, तो उनको पता चला है कि बाहर जा रहे हैं, उन्हें रात को कत्ल कर दिया 12 बजे रात को। फिर वो एक महीना रहे, फिर उन्हें 50 लाख दे के तो फारग हो गए, पुलिस ने 50 लाख का रिश्वत दे और उनको छोड़ दिया बंदों को बगैर वजह से, और हमारे बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं, सारे बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं। हम पिंडी ले गए, दुकान थी हमारी मियाना गुंदर में, तो मियाना गुंदर थाने वाले 50 लाख रुपया लिए हैं। किसी कौन है आपका इस केस क्यों लगी है अभी जनवरी का यार? आज है मेरे पास आईओ केस फाइल के साथ बुला रहा हूँ, ठीक है, जो पहला आईओ था जिसकी तब्दीली तफ्तीश हुई है, वो जो बात कर रही है ना वो ठीक कह रही है, कमर जमान है। आप मेरे पास अगले हफ्ते आ जाए, हमारे मियाँ जाता है रफ्ते मंडी में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, सुनाते नहीं जी। आप उनको एक दफा मेरे पास भेज दें मंगल को, ठीक है, मंगल को आ जाए एक दफा मेरे पास, ठीक है। इसमें केस फाइल आईओ और जो फर्स्ट तब्दीली तफ्तीश हुई है उसका आईओ, मैं खुद इस केस को देखूंगा, ये मंगल को सारा फैसला कर, उधर ले जाना इंशाल्लाह, बेफिक्र अल्लाह खैर रखेगा, मैं देख रहा हूँ उसके, ठीक है। देखिए भी है 302 पता है इस मामले का क्या है, मुलाजम का दिखो भी पाया क्या लगते हैं आपके ये जिनसे लड़ाई हुई है क्या लगते हैं? 302 का पर्चा, वही मैं पूछ रहा हूँ, 302 का पर्चा थोड़े देते हैं कि नहीं, कौन है ऐसे मुदाई, कौन है किधर है, नजीर अहमद मोहम्मद खान बलोआ, दोनों तरफ से लड़ाई हुई है, तो वो जब सारे जब शामिल तफ्तीश होंगे तो वो बात खुलेगी ना, आधा घंटा बाद आई हुई है, पहले इकबाल को पैर पे, फिर वो जो है उनकी बिरादरी जो है इकबाल की, उन्होंने कोई दबल हमारा कोई दबल नहीं है जी सर, 10 आदमी उन्होंने इस पत्ते में बेगुनाह डाल दिए, 4 आदमी हैं जो रुकवा करने वाले, हमारा तो यही कसूर है कि बेटा मेरा ये असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं, 10 आदमी ये भी हैं जो बेगुनाह होने डाले, वो पेश करें ना सारे, पेश करें, मेरिट करें, मौके वाले लैदा हो जाएंगे, जो ठीक है वो देखो ना।
बेगुनाह हो गए, इश्तियारी कितने हैं? कौन है इसमें आपका तफ्तीशी? कौन है अशरफ? किधर है वो? सर सस्पेंड हो गया था जाहिद, मुकदमा नंबर 383/3। आप आए थे पहले? मियाड़ा गोदा। अशरफ किस केस में सस्पेंड हुआ? अशरफ केस में सस्पेंड हुआ 29 में सस्पेंड हुआ। वो इसका तफ्तीश एक पकड़ा हुआ है, एक जेल में है। ये जेल में कहाँ पे हुआ था वाकया? गाँव में? आपने कितने लोग थे फायर करने वाले? कितने लोग थे फायर करने वाले? 6 बंदे हैं। गाड़ी में मारे हैं, फायरिंग की थी? 6 बंदे ने फायरिंग की थी। कोई ना कोई ना जी लड़की को अगवा करके ले गया सी, उसके भाई आई जो मेरा मैं उसको देखना लगी जाने छः नामजद थे। मौके पे कितने लोग थे? 6 हाँ जी, सब नामजद थे। बच्ची को फायर एक लगा था जी? एक फायर लगा था ना बच्ची? बच्ची नहीं लगा, मैं लगा। बच्ची नहीं। कितने फायर लगे? 6 फायर। मौके पे कितने लोग थे वहाँ? मौके में 6। इसके अलावा और कितने थे जी? और जिन लोगों ने देखा है वो कितने लोग? काफ़ी धड़ी तो 11 बजे दबा किया था कि ये नहीं रात था, दिन दबा किया रही। नहीं कोई नया जी, नहीं कोई तसली, कोई किसी किस्म की आईओ और कंप्लेनेंट केस फाइल ट्यूसडे को बुला लो। जाहिद ठीक है, बुला लिया मैंने उधर दफ्तर ही बना दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि वो 5 बाकी जो बेगुनाह अगर ठीक हुए या गलत हुए, ये बुला लेंगे आप। हाँ जी 394। कौन है? जाहिद महमूद। हाँ जी तफ्तीशी कौन है? कितने डेटा निकाल दो, उसके जो नंबर शॉर्ट लिस्ट है उसको वर्किंग नहीं है। फर्स्ट गल करो, फर्स्ट इश की होया? नामजद कितने लोग हैं? बड़ी
ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂ ਆਈ ਓ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂ ਅਬ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਟੇਲ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਖਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਕੋ ਤਫਸੀਲ ਸੇ ਸੁਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੀ جو قادر آباد کو بلا لے بلایا میں نے دیکھ لیا پریشان ہو کر لینا